जय माता दी दोस्तों। तो मैं आप सभी के लिए ये खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही आसानी से बन भी जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मखाना ले लेंगे, उसके बाद मूँगफली का दाना, 4 से 5 काजू लिया हुआ है, और आलू को उबाल कर उसका छिलका उतार कर कट करके ले लेंगे, और धनिया, हरी मिर्च और अदरक, उसके बाद एक टमाटर लिया हुआ है और साबूदाना, इसे हम भिगो देंगे 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे, जिससे अच्छी तरीके से फूल जाएगा, तब ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी जब गरम हो जाएगा तो उसके बाद हम काजू को फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें खुशबू आ जाए बस। उसके बाद हम इसमें मूंगफली डाल देंगे घी में और इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो मूंगफली भी फ्राई हो गई है, अभी इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और उसी तेल में हम मखाना डाल देते हैं और मखाने को भी फ्राई कर लेते हैं। तो इन सबको फ्राई करके जब बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। एक बार जब एक कटोरी खा लेंगे तो पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। मखाना भी फ्राई हो गया है और थोड़ा सा घी बचा हुआ था उसी में हम आलू को भी थोड़ी देर भून लेते हैं। तो सब कुछ भून कर ही बनाएं जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए आलू को भी कितनी अच्छी तरीके से मैंने भुना हुआ है। तो इतना भूनना है आलू को और इसमें घी भी बहुत कम लगता है, सिर्फ 1.5 चम्मच में पूरी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आलू को भी निकाल लेते हैं, फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच घी डाल देते हैं और घी जब गर्म हो जाएगा तो उसमें मेथी दाना डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें जीरा डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो। तो मैंने मेथी दाना डाला हुआ है, उसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे। और हरी मिर्च को ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, हल्का सा मुलायम हो जाएगा बस उतना ही पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें अदरक डाल देंगे। अदरक को कद्दूकस करके मैंने लिया हुआ था, इसका पेस्ट नहीं बनाया है। अब अदरक को भी हम थोड़ी देर भून लेते हैं। अब अदरक भी भून गया है, उसके बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो एक टमाटर जो लिया हुआ था उसको भी कट करके मैंने इसमें यूज किया है। सिर्फ एक टमाटर डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। उसके बाद मैंने व्रत वाला नमक डाला है। टमाटर के साथ ही नमक डाल देते हैं तो टमाटर जल्दी गल जाता है। टमाटर भी भून गया है, उसके बाद हम साबूदाना डाल देते हैं और साबूदाना को भी सिर्फ मसाले में मिला देते हैं, इसे भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो पहले 1 ग्लास मैंने पानी डाला हुआ है, अब इसे हम चलाकर चेक करते हैं, कम लगेगा तो थोड़ा सा और मिला देंगे। पहले से ही ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पतला हो जाएगा। तो अभी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, 1/2 गिलास पानी और डाल देंगे, पकने में भी पानी लगेगा इसमें। अब इसे लगातार हम चलाते रहेंगे 2 मिनट तक। ये देखिए फ्रेंड्स, एक उबाल आ गया है ना। अब इसमें हम आलू डाल देंगे जिससे कि आलू में भी सारा फ्लेवर आ जाए। नमक, मिर्च और टमाटर का सारा फ्लेवर आलू के अंदर भी आ जाएगा और आलू में जो सोंधापन है वो इसमें आ जाएगा पूरी खिचड़ी में। अब इसके बाद इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। 2 मिनट बाद देखिए ये 1/2 से ज़्यादा पकी लग रही है, अभी थोड़ा सा इसमें कमी है। तो उसी के साथ इसमें हम मखाना और मूंगफली को भी डाल देंगे और काजू को भी। उसके बाद फिर से ढक देंगे और 2 मिनट के लिए इसे कवर करके इसे रख देते हैं और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। 2 मिनट बाद देखिए ये पूरी तरह से भी
पकी नहीं है, थोड़ा सा इसमें कमी ले है, लेकिन फिर भी इसे हम बंद कर देंगे क्योंकि इतना गर्म है ना कि अपने आप ही ये पक जाएगी और खिला खिला दाना रहेगा। और पहले से ही ज़्यादा पका लेंगे ना तो ये पूरा एकदम आपस में मिल जाएगी तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसी के साथ मैंने धनिया पत्ती डाल दिया हुआ है और उसी उसके बाद हम डाल देंगे काली मिर्च। काली मिर्च को कूट कर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर तैयार हो गई है और इसे हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए और गैस को बंद कर देंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करिए और चैनल पर मेरे पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स और कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और एक बार ट्राई करके देखिए, उसके बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि कितनी टेस्टी बनती है ये खिचड़ी। बहुत टेस्टी भी है और हेल्दी भी है और बहुत जल्दी बनकर भी तैयार हो जाती है। तो एक बार ज़रूर आप इसे ट्राई करिए फ्रेंड्स, और इससे स्वाद भी है और सेहत भी है इसमें। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, देखने से ही लग रहा है ना कि कितनी टेस्टी होगी ये। तो एक बार बनाकर तो आप देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा इसे खाकर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।